बहुत से लोग का ये मिथ है कि धामन सांप काटता नहीं, लेकिन ये बहुत जोर का बाइट करता है, बहुत जोर का। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश जाधव हूँ। आज मैं वड़गांव गुप्ता गांव में पहुँचा हूँ। ये गांव हमारे अहमदनगर जिला के अंतर्गत है। ऐसे हमें संतोष सातपुते, इन्होंने कॉल किया था, उनके घर में एक सांप है, तो उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। मेरे साथ ऋषिकेश परदेसी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, देखते कौन सांप है, उस सांप को पकड़ कर एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। चलिए तो ये इंडियन रेड स्नेक बहुत तेजी से फूंक कर रहा है, अभी काटने की फिराक में है। इस स्थिति में बहुत ज्यादा जोर से काटते हैं। सांप कोई भी हो, खुद के बचाव के लिए काटता है, जहरीला नहीं लेकिन बहुत जोर से काटता है, बहुत जोर से। और हाथ से छोड़ने के लिए देखिए किस तरह प्रयास कर रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। ये बहुत फुर्तीले सांप होते हैं, आप देख सकते कितना फुर्तीला है। और हाथ से छूटने के लिए किस तरह गोल गोल घूम रहा है ये। इसे धामन घोड़ा पछाड़, इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक इस नाम से जानते हैं, हिंदी में धामन और घोड़ा पछाड़ इस नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा फुर्तीला और फुंकार भी रहा है। देखिए कोबरा सांप जिस तरह फुंकारता है उसी तरह ये फुंकार भी रहा है। जब गुस्से में आते हैं तभी फुंकारते हैं। ये देखिए किस तरह काट रहा है। ये देखिए किस तरह काट रहा है। बहुत से लोग का ये मिथ है कि धामन सांप काटता नहीं, लेकिन ये बहुत जोर का बाइट करता है, बहुत जोर का। जैसे ही सांप शांत हो जाता है तो काटेगा नहीं, जब ये गुस्से में होता है तभी ये बार बार अटैक करता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये धामन सांप, बहुत ही लंबा, लगभग 8 फीट से भी ज़्यादा ये सांप। आप देख सकते हैं पूरे घर में फैल रहा है, देखिए बहुत ही बड़ा है, काफ़ी लंबे सांप होते हैं ये। और इनकी हाइट जो है लगभग 11 फीट तक बढ़ती है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी अभी जो सांप घर में हमने रेस्क्यू किया था, तो यहाँ पर मैं इस सांप को पर्यावरण में रिलीज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस सांप को फॉरेस्ट में रिलीज किया है।